बिनासगढ़ से और अपने यहाँ लोहागरल के रास्ते पे बीच रास्ते जहाँ से परिक्रमा थी श्रद्धालु निकल रहे थे वहाँ पे खाली बोतलें रख के और पास में ही उनके टेबल लगा के अवैध शराब बिक्री थी। तो हमने पहले भी पिछले साल भी इस तरह की कार्रवाई पुलिस को कहा था कि इस तरह अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए। हालांकि प्रशासन खूब अलर्ट रहा लेकिन शराब माफियों के चलते ये शराब बिक्री थी। उसी वक्त DYSP से बात की गई नवलगढ़ से तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए वहाँ पे ये रघुनाथगढ़ और लोहागरल के बीच में चिराना पंचायत जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे शराब माफिया अवैध रूप से दारू बेच रहे थे। श्रद्धालुओं के जो रास्ते आते हैं जहाँ महिलाएं पुरुष इतनी तादाद में आते हैं वहाँ पे उनके उसी रास्ते के ऊपर शराब बेच रहे थे। तो हमने DYSP नवलगढ़ से बात की तो उन्होंने तुरंत दबिश देकर शराब जब्त कर ली और आगे से उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार की शराब नहीं बेचनी दी जाएगी अवैध रूप से चाहे वैध रूप से। हमने ठेकेदारों से भी पहले कहा था कि आप श्रद्धालुओं जिस रास्ते से होकर गुजरते हैं क्योंकि ये आस्था और धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है इसमें महिलाएं बहुत तादाद के अंदर गुजरती हैं तो हम नहीं चाहते कि ऐसी हरकतें या ऐसे इस प्रकार से शराब का खुला प्रदर्शन करके यहाँ शराब बेची जाए। तो प्रशासन ने कहा है कि वो लगातार गश्त रखेंगे और आगे से कोई शराब नहीं बिकेगी। मैं यहाँ हमने बहुत सी समस्याएं भी पिछली बार देखी थी उनको इस बार खूब सुधार हुआ है। जैसे किरोड़ी में पहले एक नर्स के भरोसे पूरी किरोड़ी में जितनी भी जनता रहती थी सोती थी वहाँ पे विश्राम करती थी आज वहाँ पे 104 एम्बुलेंस की व्यवस्था हो गई है डॉक्टर्स की व्यवस्था हो गई है और भी व्यवस्थाओं के बारे में जो जो हमने कमियां और खामियां देखी हैं वो हम माननीय कलेक्टर महोदय से बैठ के बात करेंगे और सीकर जिला कलेक्टर को भी चिट्ठी लिखेंगे कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने ये खामियां देखी हैं इनमें अगर सुधार किया जाए तो श्रद्धालुओं को सुविधाएँ मिलेंगी क्योंकि ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा लक्ष्मी मेला है। ये यहाँ पर आपने देखा होगा कि पुरुषों के अपितु महिलाएं ज़्यादा आती हैं और महिलाएं भी 80-90 वर्ष तक की महिलाएं आती हैं। ये मतलब जो ये परिक्रमा है 24 कोसीय ये एक प्रकार से श्रद्धा निष्ठा आपस में भाईचारे पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान होता है कि भारतवर्ष के अंदर कहा जाता है कि कोस कोस में बदले वानी पानी चार कोस में बदले वानी इसलिए सभी वानियों का मेल होता है। और हमने अभी सूर्य कुंड में नहाकर और हमारे नवलगढ़ क्षेत्र की अमन शांति के लिए पूरे राजस्थान में अमन शांति रहे इसके लिए हमने मन्नत मांगी है बाबा हमारी मन्नत को स्वीकार करें। वो मामला ये था कि कोट बांध के अंदर ठाकुर जी की पालकी गई थी वहाँ संत ठाकुर जी को नहलाने के लिए पालकी में वो पानी लेने गए और कुछ स्नान करने गए तो वहाँ पे कोई दो पुलिसकर्मी थे उन्होंने जैसा वहाँ संतों ने बताया कि उन्होंने शराब पी रखी थी और उन्होंने उन्हें पानी नहीं लेने दिया इससे आस्था को ठेस पहुँचा। हम किरोड़ी में रुके हुए थे हमारा दल है ये सरपंचों और पंचायत समिति सदस्यों का हम किरोड़ी में रात को रुके हुए थे किरोड़ी से हम सीधे रात को शाकंभरी पहुँचे कोट बांध से होते हुए वहाँ शाकंभरी पहुँच के संतों से बात की उन वो संतों में आक्रोश था हमने उन्हें बताया कि दो पुलिसकर्मियों की वजह से आप यात्रा को स्थगित मत कीजिए ये यात्रा श्रद्धा की है आस्था की है और क्योंकि लाखों श्रद्धालु ठाकुर जी की पालकी के पीछे थे तो हम नहीं चाहते थे कोई कानून व्यवस्था बिगड़े। हमने आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय से बात की उन्होंने कहा कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर देंगे और इसी आश्वासन पर संतों से हमने गुजारिश की निवेदन किया उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया और पालकी ठाकुर जी की आगे चल पड़ी। आगे से अगली यात्रा के अंदर हम जिला कलेक्टर महोदय से कहेंगे कि एक जोनल मजिस्ट्रेटल अधिकारी और पुलिसकर्मी पालकी के साथ अनिवार्य रूप से चलेंगे।